नमस्कार DIG न्यूज में आप सभी का स्वागत। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर, भारत राष्ट्र समिति पार्टी में पूर्व विधायकों का प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। चंद्रपुर तेलंगाना राष्ट्र समिति ने देश की राजनीति में प्रवेश किया और महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले में भारत राष्ट्र समिति नामक पार्टी की एंट्री। आज नांदेड़ में आयोजित BRS पार्टी अब की बार किसानों को सरकार समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव BRS के संस्थापक अध्यक्ष की उपस्थिति में कई पूर्व विधायक BRS में शामिल हुए। यवतमाल जिले से अरनी विधानसभा के पूर्व विधायक राजू तोड़साम और गढ़चिरौली जिले से एरी विधानसभा के पूर्व विधायक दीपक अतराम जिला परिषद सदस्यों और नगर सेवकों के साथ BRS पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बीच किसान नेता प्रकाश पोहारे भी सार्वजनिक रूप से BRS में शामिल हो गए हैं। दीपक आत्राम ने 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल करने की संभावना नजर आ रही है और राज्य में BRS के प्रवेश से राजनीति में कई बड़ी पार्टियों को नुकसान होने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। चंद्रशेखर राव KCR ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वो मध्य नजर पर BRS पार्टी को ने महाराष्ट्र राज्य में कई वर्षों से अलग विदर्भ की मांग पर भी निंदा कर कहा। धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूट हो, ये कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है, इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत बाजार क्यों लगता, भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है। नांदेड़ में कितना चैना बाजार है गिन लीजिए। आप परमनी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में, छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है। ये क्या हो रहा है देश में, कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं दुख दर्द से यह बात कह रहा हूं। ये बात जरूर सोचिए, चर्चा कीजिए। ऐसे ही दो तीन बात और बताने हैं। इस देश में 50,000 TMC पानी जा रहा है, ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता, फिर क्या मिलता भाई? भाषण मिलेगा, मन की बात, ये बात, वो बात, कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक। मरी तो रहे तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स लेक्चरर्स, जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक कवि गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनय पूर्वक विनम्र करता हूं। दया करके इस बात पे सोचिए, ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है। कब तक मरते रहेंगे, क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है, हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दो तीन बातें आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं,
देश में तो और कहीं है, जैसा मैंने कहा आप टंडा टंडा बोल रहे हैं, आप बनाएंगे किसान सरकार। इसलिए मेरा आप लोगों से विनंती है, दूसरी बात ये पानी की कथा है, करंट का क्या चक्कर है भाई, आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता भाई। मैं एक बात कहता हूं, लिख लीजिए, इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास। देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे, 361 कार्टन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया, 361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए कोयला सीमा बस है। और कोयला कहाँ है, कहीं आकाश में है, यही है हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड में है, हमारे गुग्गुस कालरीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है, नहीं पूरे भारत में क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं। इसीलिए कि किसान सरकार नहीं तो ये सब कुछ नहीं, जहां किसान सरकार है वहां ये सब कुछ है। तो हम भी महाराष्ट्र में ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, फिर बनाएंगे किसान सरकार। टंडा टंडा बोल रहे हैं आप, बनाएंगे किसान सरकार। इसलिए मेरा आप लोगों से विनंती है, दूसरी बात ये पानी की कथा है, करंट का क्या चक्कर है भाई, आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता भाई। मैं एक बात कहता हूं, लिख लीजिए, इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास। देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे, 361 कार्टन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया, 361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए कोयला सीमा बस है। और कोयला कहाँ है, कहीं आकाश में है, यही है हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड में है, हमारे गुग्गुस कालरीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है, महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है, लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता, ये क्या चक्कर है भाई। जरूर इसमें काल में दाल में कुछ काला है, ये बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है, कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें, बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया, तुम्हारा नेता, हमारा पार्टी क्या दिया, क्या बनते, जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है, इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है,
इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का पैर पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं, हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए बिखरते हुए हिंदुस्तानी है, इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, केंद्र सरकार के पास, राज्यों के सरकारों के पास, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे महाराष्ट्र के, क्या हमारे संविधान में हमारे कानून में इतनी कमजोरी है कि किसानों को पैसे भी नहीं दिला पाए? ये क्या चक्कर है? सरकार अगर समझता, अगर आप समझ गए तो यहां के नेताओं के चक्कर में झंडा में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे विनंती कर रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं आगे पत्रकारों को मीटिंग में जो भी कहूंगा उन बातों को जरूर सोचिए, गांव में चर्चा कीजिए। अगर मेरे बात सच है, मेरे बात में ईमान है तो उठाइए गुलाबी झंडा सरकार। मैं आपको कम बातों में कुछ बातें समझाने की कोशिश किया, काफी अन्य बातें भी है। किसानों पे मैं ज्यादा कहना चाह रहा था, इससे पहले हमारे धर्माबाद तालुके के बापूराव कदम जी, हमारे युवा मित्र गणेश कदम मेरे पास आए थे, काफी साल पहले से मेरे पास आ रहे हो। वो चाह रहे थे बार बार कि साहब आपकी आवाज महाराष्ट्र में आ जाए, नांदेड़ में आ जाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जो इतनी भारी संख्या, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी तादाद में आप आओगे। इतनी बड़ी संख्या में आके जो आपने एकता बताई, जो प्यार मुझे दी, जो आशीर्वाद आपने दिया है, मैं दिल में रखूंगा, मैं भूल नहीं जाऊंगा। ये मेरा पहली सभा था महाराष्ट्र राज्य में। कुछ ही दिनों में भाइयों बीआरएस का काम शुरू होगा। हमारे मानिक कदम जी जो किसानों के लिए जिंदगी भर लड़ते हैं, हमारे दशरथ सावंत काका, अभी उनका 84 साल उम्र है, 84 ईयर्स, अभी भी वो किसानों के लिए तड़पते हैं। ये लोग तैयार किया है पूरा नक्शा, सिर्फ 8-10 दिन के अंदर हर गांव में बीआरएस की गाड़ी आ जाएगा, हर गांव में आ जाएगा। पूरे कमिटियां बनेंगे ताकत जुटाने के लिए, किसानों को एकत्रित करने के लिए। 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर पूरे गाड़ियां हर गांव में, मतलब यानी कि महाराष्ट्र राज्य में 288 असेंबली हल्के हैं, पूरे 288 गाड़ी एक साथ निकलेंगे। छत्रपति महाराज के जन्मस्थल जो शिवनेरी है, वहां माता टेक के शपथ लेके किसानों का सरकार बनाने के लिए पूरी महाराज राज्य में किसान कमिटियां बनाने का प्रक्रिया शुरू होगा। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग एकत्रित हो जाए। मैं भी चार जगह जाऊंगा, सिर्फ नांदेड़ नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र जाऊंगा, विदर्भ में जाऊंगा, उधर उत्तर महाराष्ट्र में भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। जो शक्ति भगवान ने मुझे दी है मैं पक्का उसके लिए काम करूंगा। इतना कहते हुए, धर्मस्य विजयोस्तु, अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावनास्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।